कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी हमने ना यहाँ पे स्विगी से सामान मंगवाया था, बट हम मुझे मंगवानी थी एक ब्रेड, और फिर ना बाद में याद आया ऑर्डर करने के बाद कि ब्रेड मंगवा लेते हैं, क्योंकि अभी मन कर रहा है हमारा ना पकौड़े खाने का, तो अभी हम पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है, और फिर हो रहा था कि चलो जी, काफी टाइम से खाए भी नहीं है पकोड़े, तो सोचा ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं। अगर मन किया तो आलू या प्याज के भी बना ही लेंगे साथ में, गोभी नहीं लेकर आए थे हम, गोभी के भी बना सकते थे, गोभी के पकोड़े बड़े टेस्टी बनते हैं, तो देखते हैं अभी जब ब्रेड आएगी तो हम बनाते हैं, तब तक हम चाय बनाने रख देते हैं। पूरा सेट कर, दाले वगैरह निकाल, ये आ गया है खाना मांगने, जैसे शाम होती वैसे। ये तो पड़ी है काले वाली बोल, मैंने ये तो बोला भी नहीं था, तूने ये भी मंगवा ली? ये तो मैंने नहीं मंगवाई, तो ये हम काले दाल और मूंग बना रहे थे, दाल मखनी। हाँ वही तो बोल रही थी मैं, दाल मखनी कल बनाते हैं, और सुन रात को लोबिया बना लेते हैं, ठीक है? डिनर में आज हमने एक्चुअली में दिन में कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, आज हम फास्ट पे थे तो आज हमने कुछ भी नहीं खाया, अभी हम सीधा पकौड़े खाएंगे, मतलब चाय वाली रात को लोबिया खाएंगे, रात को लोबिया वाली दाल ही बना लेते हैं। ये क्या है? और ये देखिए हम गोंद ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ? हाँ तूने रखी थी ये, तो मैंने ही तो डाली थी, और मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी कि गोंद होगी थी तो ये मिल गई है मम्मी जी, गोंद मिल गई हमें, अब दिखा रहे तूने, अभी तुम्हें यहाँ पे सामने लगी थी, इसको खोली से मैंने आज, पता है हमने क्या मंगवाया है आज इसमें, और आज हमें, हाँ यार एक चीज फ्री मिली है, 100 रुपए किलो राइस फ्री मिलेगी सीधा, मैगी मसाला। कई बार चाहिए होता है, अच्छा किसी किसी चीज में डाल देगे ना, इसीलिए ये मैंने लिया इस बार मैगी, अब तो मैगी मैगी नहीं खानी भाई, दही मंगवाया, और आज हमें इन सामान के साथ एक पैकेट मिला है हमें फ्री राइस का, मतलब आइसक्रीम भी मिल रही थी, रियल जूस मिल रहा था या ये, तो फिर हमने आइसक्रीम खानी नहीं थी, ठंड आइसक्रीम खाई नहीं, ठंड चल रही है, और रियल जूस वैसे भी जूस इतने पीने नहीं चाहिए, अच्छे नहीं लगते मुझे, तो हमने काम की चीज मंगवा ली राइस, उनको लगा होगा ये राइस नहीं मंगवाएंगे आइसक्रीम मंगवाएंगे, तो और ये साथ में ORS मंगवाया, ये पीती हूँ मैं थोड़ा सा ORS का घोल, और ये भी महाशय जी आए हैं हमारे पास कि इन्हें खानी है रोटी, तो आप चलिए वहाँ, तो चलो अभी हम लोग पकौड़े बनाते हैं, बट हम वो वाले नहीं बना रहे, हाँ हम आलू वाला स्टफ पकौड़ा नहीं बना रहे, हम प्लेन पकौड़ा बना रहे हैं, नॉर्मल जो हम दिखाते हैं, दिखा देंगे आपको कि हम किस तरीके का पकौड़ा बना रहे हैं, स्टफ पकौड़ा नहीं बना रहे, तो जब तक हमारी ब्रेड आएगी तब तक हम ना यहाँ पे थोड़ा तेल, सरसों के तेल में बनाए, हाँ है ना उसमें सही बन रहे, वो चढ़ता नहीं है ना ज्यादा सर में, नॉर्मल तेल तो चढ़ जाता है, तो ब्रेड आती है तब तक हो ही जाएगा स्मेल से गरम, यही यही बना ले, तब तक ज्यादा हमारा तेल गरम हो जाएगा, हाँ तो तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं, और उतने हम बेसन बेसन का घोल भी बना लेते हैं, जैसे ही आएंगे फटाफट ब्रेड डाल देंगे और बना के खा जाएंगे, क्योंकि यार अब लग रही है भूख नहीं लग रही, आज हमने वैसे फास्टिंग क्यों करी थी, वैसे सब्जी नहीं समझ आती, क्योंकि सब्जियां समझ ही नहीं आती है, सिर्फ यही है, बस डोली डाली जा रही है, बस बहुत ज्यादा डाल दी है, काम कर दूं क्या, ये तो यही पे बैठा हुआ है, काम करना है, उठता ही नहीं है, मैं इसको डांटना पड़ता है कई बार, क्योंकि ये सुनता ही नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा, और ठंडे फर्श पे बैठ रहे, इसको जैकेट डाल दे अब फिर से, इसको जैकेट पहना देती हूं, फिर नहीं हिलेगा ये वापस, इसने इतना सारा तेल डाल दिया, देख के इतना सारा डलना भी नहीं था नॉर्मली, डोली यार तू डोली तू सारा घेर, सरसों के तेल की एक चीज है बस कि ये सबसे ज्यादा चढ़ जाती है सर में, बहुत गंदी स्मेल आती है, स्मेल ही बड़ी अलग से आ रही है, तेल रख, ओ तेल कर दी क्या, चाय कर दी, ये वाली ब्रेड नहीं थी डोली, तो कौन सी थी, यही होती है बड़ी ब्रेड, कोई इससे बड़ी भी तो आती है, इससे बड़ी भी आती है, बट वो मैंने तुमको बोला सैंडविच ब्रेड चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे ये वाली ब्रेड दे दी, तो धुआं निकला जा रहा है तगड़े वाला, बहुत गुड़ भी मंगवा दिया हमने, अभी हम बनाते हैं पकोड़े, नॉर्मल पकोड़े, वैसे मन कर रहा है उसके खाने का, गोभी आलू गोभी प्याज के, चल वो मिक्स करके बाद में बना लेंगे, बना सकते हैं दो चार, इतना सारा नहीं खाया जाएगा डोली, एक ही खाया जाता है एक ही चीज की, और इतना तेल गर्म हो चुका है, पैकेट खाने के बनाएंगे, चलो तो अभी हम लोग इसको बेसन को घोलते हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं बेसन, थोड़ा सा और डाल देते हैं,
क्योंकि हम तो अपने अंदाजे से बनाते हैं हमेशा। हाँ। हम ऐसे अभी खुद से डेढ़ कटोरी ली है मैंने तो बेसन। ओके इसमें से क्यों ये दे रही हूँ ना। अच्छा तो मेरे को इसमें क्या काम है। हम लेंगे अपने मसाले और अजवाइन। तो पहले हम इसमें डालेंगे नमक। तुमने वो नमक क्यों नहीं डालते सेंधा वाला? वो यार अभी अंदर रखा हुआ है, वो निकाला नहीं था इसलिए। मैं इसमें हल्दी भी डालने वाली थी। नमक, लाल मिर्च, लाल मिर्च डाल रहे हैं। तो लाल मिर्च तो ज्यादा ही टेस्ट लगती है, टेस्टी स्पाइसी थी। बस ये नमक और लाल मिर्च और अजवाइन यही डालता है। मैं कहती हूँ सूखा धनिया काली मिर्च डाल देती हूँ, बट ये सब नमक और ये और अजवाइन। और अजवाइन डालेंगे इसमें अच्छी खासी थोड़ी सी, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट आना चाहिए। ऐसे क्रश कर लो अजवाइन को हाथ में। दाल लग रही है बहुत। हरी मिर्च काट के डाल देंगे। यस यहाँ पे मैंने लिया बस, मुझे लग रहा है हो गया अभी ये ना तेल थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स। मैंने एक गिलास ही पानी लिया और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। काफी टाइम से बनाए भी तो नहीं है। मेरे को लग रहा है बनाई फर्स्ट टाइम रहे हैं आपा। नहीं फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम थोड़ी बना रहे हैं। नहीं नहीं इधर आके नहीं नहीं एक दो साल में चलो मिक्स बनाया। नहीं एक बार हमने वहां पे बनाए थे शायद रेडी था डोली यार। ये वाली गैस में ना पानी जल्दी से गर्म नहीं हो रहा है। एक तो उसमें होता भी नहीं है भाई, थोड़ा सा आप बाहर से शोर आ रहा होगा शायद आपको। बाहर काम चल रहा है, बस काम चल रहा है और हमने इसलिए विंडो खोला हुआ क्योंकि ये धुआं 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 हो रहा है ना बहुत, तो इसलिए। अगर हम इसको अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो फिर कच्चा कच्चा पन आएगा, स्मेल लगेगी, पकौड़ों में आएगी वो बहुत गंदा लगेगा, इसलिए हमें करना ही पड़ेगा। सरसों का तेल वैसे अच्छा होता है खाना, बट दिक्कत यह है कि कई बार ना किसी किसी का गला भी खराब हो जाता है, हमारा हो जाता है खा के। हाँ, इसलिए हम सब्जी वगैरह में बहुत कम यूज करते हैं कच्ची घनी तेल। हो गया ना सर, इतना गोल बहुत है ना। ना आपको ज्यादा पतला करना है ना ज्यादा गाढ़ा करना है, परफेक्ट है। सही तो अभी हम लोग करते हैं ब्रेड को कट पीसेस। ठीक है, और फिर मैं चाय पे ध्यान देते हैं। हम एक बना के देखेंगे ताकि हमें टेस्ट का पता लगे, नमक वगैरह कुछ कम तो नहीं है। नमक या मिर्चे अगर हमें लगता है कि कम है तो हम इसी बोल में डाल सकते हैं, क्योंकि एक दो बार एक ही बार भी सारे बना देंगे तो फिर ऐसे। और अगर ज्यादा हुई तो हम इसमें बेसन डाल देंगे, कर लेंगे अगर ज्यादा हुआ तो, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा होगा। ठीक होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग डालना भूल गए थे इसके अंदर बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग पाउडर नहीं था यार, वो ये चीजें तो मेरी पड़ी है। ठीक है। हाँ, और बेकिंग सोडा बिल्कुल ही कम डालता है, बहुत कम डालना है। और अगर ये गलती से भी ज्यादा होगी ना इतनी गंदी स्मेल आएगी ना, मैं तो खाए भी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बहुत पहले जब मैंने बनाए थे ना। हाँ क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा हमसे गल गया था। मैं बहुत पहले बनाए थे ना जब छोटी ही थी तब बचपन में बनाए थे, और उसमें ना मैंने एकदम से ना ज्यादा डाल दिया, बिकॉज मैंने इस चक्कर में डाला कि चलिए फूल के बनेंगे, फूल के चक्कर में इतनी गंदी स्मेल थी कि हद नहीं। खाए ही नहीं करते क्योंकि बचपन में तो आते नहीं थे ना बनाने के लिए, पर बना लेते थे। और फिर भी बना लेती थी, मैं नहीं बनाती थी फिर उसके बाद से नहीं। मैंने ये सब, मेरे को डर लगता था जब मैं ये जब छोटी होती थी तब मैं ये काम कर रही, तो मेरे को थोड़ा तलू ने करवाया तब जाके मैं, मम्मी भी नहीं बनवाते थे ये सब तलने वाला कढ़ाई में। आज तक पूड़ियों को मेरे को डर लगता है तलने में भी कई बार ना होता, बट अब तो मैं कर लेती हूँ। थोड़ी बाहर से बहुत शोर आ रहा है, बंद ही कर देते हैं, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है बाहर से, कितना ज्यादा। और हम ब्रेड को इस तरीके से कट कर दूं ना, तुम इकट्ठे कर दे, इकट्ठे होएगी। हाँ नाइफ काम का ज्यादा नहीं था, ये हो गया। भरवा नहीं आलू वाले, हम तो कुछ लोग खाते हैं वो वाले आलू वाले। यस
एक बार जी जो बुलाया था जितना नहीं करना ये थोड़ा मत है जी रात हो गए थे कहाँ के कंचन और कंचन दिन में बनाए थे मुंबई में चलिए जी ओके हम इससे बना तो हमारा ज्यादा गर्म तो नहीं था बहन तेल मैं करूँ क्या रहने दे मैं ही करूँ नहीं नहीं मैं करूँगी मैं घुमा दूँगी इसे हाँ बन गया तो पकोड़ा हो चुका है रेडी अभी चाय डोली चाय नहीं बनी वो पकोड़ा हो चुका है रेडी अभी खा कर देख रहे हैं हम टेस्ट कैसा है नमक मिर्च ठीक है बिल्कुल ठीक है वो तो है लगा बहुत टेस्टी बने अजवाइन थोड़ी सी डालू या रहने दूँ तो तू बहुत करा रहा है हाँ नमक मेरे को मिर्च कम है थोड़ा सा नमक थोड़ी सी मिर्च और डाल दे वैसे तो बिल्कुल ठीक है बट थोड़ा सा स्पाइसी नहीं लग रहा थोड़ा सा हाँ बस नमक थोड़ा ही थोड़ी सी मिर्च और ये बहुत टेस्टी बने हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास केचप है डोली कोई हाँ। है केचप है और ये भी पकौड़ा मांग रहा हमसे दो देखो इससे आसानी से हमारे लिए तो बन जाएंगे जिसको थोड़ा सा ले रही हूँ वो अंदाजे से बिल्कुल परफेक्ट बोल दिया सो ये रोशो को थोड़ा सा टेस्ट करा रही हूँ बस ज्यादा नहीं पर क्योंकि ये बैठा हुआ है वेट कर रहा है चलिए ना मैं चाय बन गया ना पकौड़े मिलते आप थोड़ी देर में आपसे खाने के बाद या खाते हुए पूरे घर में धुआं हो गया है यहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो गया है यहाँ पे सारा की सारा बन गए बन गए सो यहाँ पर बन चुके हैं पकौड़े और अभी किसके साथ ट्राई किसान के केचप और इसके साथ ट्राई करके देखते कैसे होते कैसे नहीं लगते थोड़ी सी डालियो पहले अब ये वो वाली तो है नहीं जो मुझे खानी बस ज्यादा ना खा बट मैं इसके साथ ट्राई करूंगी कि कैसे बने हैं चाय भी गर्म होगी हमारे साथ के साथ ठीक है नॉर्मल केचप से ही अच्छे लगते हैं अच्छे नॉर्मल के साथ ही किसान केचप इज बेस्ट केचप इसी के साथ खाऊंगी मैं तो स्मेल आ रही है बाहर से अब यार तूने ट्राई करना है तू कर नहीं मुझे नहीं करना सो और देख कैसे गई है ये उछल के इधर चलो अभी हम लोग खा लेते हैं अपना हाँ डोली कम डाली हो मम्मी ने डाली हुई खाई नहीं है केचप मैं खा लूं तो चाय भी बन चुकी है हमारी और बाहर से थोड़ी सी हमें स्मेल आने लगी चाय डालते हैं और चलते हैं ओए छुड़ कर आया डेंगू मच्छर इतना बड़ा घूम रहा है घर में और ये बस ऐसे का ऐसे ही बैठा बस अपने हाथों को सजा के इस तरीके से कि इसको भी मिले खाना है कैसे चौकड़ी मारते हूँ हाथों से रोन हाँ। फोल्ड कर लेते अपने हाथों को दोनों को देखते कि क्या करेगी आंखों में धुएं के सिवा कुछ नहीं दिख रहा कमरों में कोल में बहुत काट रहा है ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ वो धुआ धुआ कर दिया पूरा धुआ खाया है हाँ बहुत आंखों में लग रहा है ये तो अब तो हमारा क्यों लग रहा है मम्मी इतना सरसों का था ना अच्छा सरसों का तेल लगता है पूरा जब पूरा वो हो जाता है ना अच्छे से सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये सिंपल से पकौड़े कैसे लगे मुझे तो टेस्टी लगे बहुत टेस्टी थे हाँ अच्छे बने थे काफ़ी तो मिलती हूँ मैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट